भिलाई जिला भाजपा संगठन द्वारा जनहित के मुद्दों तथा भिलाई नगर विधानसभा में लगातार राज्य सरकार की विफलता, लूट, डकैती, नशाखोरी, जुआ, सट्टा और अवैध काम को लेकर मंगलवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के घर का घेराव आक्रोश रैली निकालकर किया गया। इस घेराव में भाजपा के कई कद्दावर नेता, भाजपा के सभी विंग के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में मंगलवार 18 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई, महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के निवास का घेराव किया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इन प्रदर्शनकारियों एवं पुलिस के जवानों के बीच कई बार झूमाझटकी भी देखने को मिली। काफी देर तक चले प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई एवं महिला मोर्चा के संग युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक देवेंद्र यादव के घर तक जाने का भरसक प्रयास किया, परंतु पुलिस बल ने आखिरकार इन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दिया। इसके बाद भिलाई भाजपा जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के प्रतिनिधि को आरोप पत्र सौंपा गया। आज के प्रदर्शन ऐसा क्यों? प्रदर्शन शानदार रहा, हमारे युवा मोर्चा से लेके महिला मोर्चा से लेके 5-7 महिलाएं खड़ी है भाई, समझे ना, और सारे लोग शामिल हुए। और हमने प्रदर्शन जो किया है उसके पीछे केवल एक ही मामला है कि 4.5 साल पहले भिलाई की जनता ने बड़ी उम्मीद से एक यंग युवा लड़के को वोट दिया था कि आएगा, हम सबका भला करेगा, इसकी सोच अच्छी होगी, और उस सोच के लिए लोगों ने वोट दिया। लेकिन आने के बाद इन्होंने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं। आज कोरोना के समय दारू बेचने का काम किया, घर पहुंच दारू हो रही थी, लेकिन कोरोना का टीका लगाने के लिए इनके मुखिया और ये हाथ पैर फटका रहे थे, हम ही लगाएंगे। हालांकि बाद में सबने लगाया बाद में टीका। और इसके साथ साथ जो शराब चोरी हुई है कोरोना में, घर पहुँच शराब बेची गई है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं, भाजपा के लोग हैं, अन्य लोगों जो दलों के लोग हैं, सब बेचारे घर पहुंच लोगों को खाना खिला रहे थे, बुढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, लेकिन ये शराब बेच रहे थे, इनके लोग शराब बेच रहे थे। आपको मालूम होगा इनके जो मित्र मंडली है, 50 लोगों की मित्र मंडली है, सबके पास एक ही कलर की गाड़ी, एक ही नंबर की गाड़ी, ये कहाँ से आई है इनके पास? जवाब दें इस बात का। और ईडी की बात करते हैं, ईडी ने आपके पास कुछ देखा है तभी तो आई है ईडी, तो ईडी हर जगह पहुँचती नहीं। और आपके जब ईडी आ रही है तो उनके अधिकारियों को आतंकित करने के लिए आप इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? अगर आप पाक साफ हो, आप में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इंक्वायरी फेस करो, इंक्वायरी में जाओ, भाग क्यों रहे हो? दो तोड़ दिए, पीछे भी तोड़ देते, आप बोलो तोड़ दें भाई। देखो, हमारी पार्टी अनुशासन में होने वाली पार्टी, हमने अपनी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये बोला कि भाई हमारे पास में होश है, जोश भी है, उनको बिना होश के कोई काम नहीं करना है। और ठीक है, आक्रोश है, पब्लिक आक्रोश, हमारा आक्रोश नहीं है, आज चेहरे में आक्रोश झलक रहा है, इसलिए हमने इस रैली को आक्रोश रैली का नाम दिया है। तो ये आक्रोश रैली हमारी यहाँ आई, हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया और बता के जा रहे हैं। तो ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस बार? बिल्कुल जीतेगी, हर विधानसभा जीतेगी यार। मेरे हिस्से में 5 विधानसभा हैं, 2 पूरी हैं, 3 आधी, इन 5 विधानसभाओं को जिताने की जिम्मेदारी मेरी। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के निवास का घेराव करने आए भाजपाइयों एवं अन्य लोगों के लिए विधायक देवेंद्र यादव के समर्थकों ने मोहब्बत की दुकान लगा रखी थी, जिसमें इस प्रदर्शन में हताश होकर निराश होने वाले लोगों के लिए एवं भाजपा का समर्थन करने आए आम नागरिकों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। भैया, मैं अर्जुन शर्मा, ये भिलाई की जनता, यहाँ भिलाई के साथ रहने वाला रहवासी हूँ। भैया, आपको बता दूँ कि यहाँ पर पूरी भिलाई की जनता आई हुई है और भिलाई देवेंद्र यादव जी कर्तव्य है कि अपनी जनता और भिलाई के लोगों का ख्याल रखना। भैया, आपको बता दूँ कि यहाँ छोटी छोटी महिलाएं आई हुई हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो गर्मी में एकदम यहाँ त्रस्त हो चुकी है, उन सभी के लिए हम सभी ने पानी, बिस्किट, चाय सभी की व्यवस्था की गई है। बता दूँ भैया, ये एक मोहब्बत की दुकान है, हम सिर्फ मोहब्बत बांटने आए, और यहाँ जितनी महिलाएं आई हैं सभी को पानी और अपना बिस्किट खिलाकर मोहब्बत बांट रहे हैं। भैया, आपको बता दूँ कि वो उनका कर्तव्य है भिलाई की सभी चीज़ों को ख्याल रखना, और लगातार अभी समय का समय है काम करने का। वो हर जगह जगह वार्डों में अपने साथ में भेंट मुलाकात और आदि कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अभी जाएंगे विधायक जी को ढूंढने, तो वो कहीं ना कहीं आपको कार्य करते हुए भिलाई की जनता के बीच में आपको दिखाई देंगे। ये है भैया, और उसके लिए हम सभी यहाँ पर, सभी कार्यकर्ता और भिलाई की जनता यहाँ पर मौजूद है, जो सभी का हम यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं पानी और चाय और बिस्किट बांट कर। भाजपाइयों से यह पूछे जाने पर कि प्रदर्शनकारियों को राहत पहुंचाने, उनकी थकावट दूर करने विधायक समर्थक द्वारा मोहब्बत की दुकान लगाई गई है,
एवं आगामी चुनाव को देखकर किया जा रहा यह प्रदर्शन कितना कारगर सिद्ध होगा, तो उस पर आप भी सुनिए भाजपाइयों के तर्क। देखिए, ऐसा है कि ये पप्पू पार्टी के लोग हैं और जिस प्रकार लोकसभा में पप्पू जो है वो गले लग करके प्रधानमंत्री जी के साथ हंसी का पात्र बनता है, ये कुछ उसी प्रकार का कृत्य है जो कांग्रेसियों के द्वारा आज किया जा रहा है। अगर इन्हें इतनी चिंता है जनता की और भाजपा के कार्यकर्ताओं की, तो आज उनको सामने आकर के जो हमने बिंदुओं पर प्रश्न किया है उसका उत्तर देना चाहिए। अगर वो उत्तर देते तो कुछ बात अलग होती। जो पिछले 4.5 साल में इनके द्वारा जो झूठ फैलाया गया और जो इन्होंने 2018 में जो चुनावी घोषणा पत्र लाया था उसके साथ वादा खिलाफी की गई, यहाँ तक कि भिलाई विधानसभा में जो हितग्राही हैं उनको न तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी हितग्राही को यहाँ मिला है। यहाँ तक कि जो सेक्टर 7 का बैडमिंटन कोर्ट है, इनके अनुसार हवा के झोंके से गिर जाता है। और तो और, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम युवाओं के साथ हैं। इन्होंने युवाओं को महादेव ऐप जैसे सट्टा की लत लगाई है और यही नहीं, आज पूरे शहर में जगह जगह पर हुड़दंगी युवाओं की टोली NSUI और युवा कांग्रेस के नाम पर जो है पुलिस को आंखें दिखाई देती है। गृह मंत्री का स्थानीय जिला होने के बाद भी यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शून्य है। और देखिए पत्रकार महोदय, आपने जो कहा उसका मैं उत्तर पूरी जिम्मेदारी से देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हर मुद्दे को उठा रही है। शंखनाद पदयात्रा के माध्यम से पूरे भिलाई के 70 वार्डों का भ्रमण जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया जी के नेतृत्व में हमने किया और जनता की समस्याओं को हमने नोट किया और उसका मसौदा तैयार करके जिलाधीश को और आयुक्त को हमने ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, हमने जो है रायपुर में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रधानमंत्री आवास को लेकर किया। शराबबंदी को लेकर के महिला मोर्चा लगातार पिछले पौने पाँच सालों से मुखर रही। बेरोजगारी भत्ता को लेकर और जो युवाओं के रोजगार के साथ PSC का जो बड़ा घोटाला हुआ उसको लेकर के युवा मोर्चा ने कई बड़े बड़े आंदोलन इसी छत्तीसगढ़ में किए हैं। और ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाजपा जो है वो शांत थी, भाजपा जनहित के मुद्दे पर हमेशा से मुखर और प्रखर रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी का योगदान है और इससे पूर्व में भी जितने भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हुए उन सब ने भी अपना परिश्रम का पराकाष्ठा किया और तब जाकर भाजपा यहाँ तक पहुँची है। यहाँ पर हम न्यू को नहीं भूल सकते। भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने आप में कांग्रेस के विरुद्ध लगातार आवाज़ बुलंद करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा विगत इन भूपेश बघेल के सरकार के 5 सालों में युवाओं के विषय उठाते रहे हैं, छात्रों के विषय उठाते रहे हैं। हमने बहुत सारे विषयों में भ्रष्टाचार देखे थे इन शासनकाल में, लेकिन शिक्षा परीक्षा और परिणाम पर भी हमने भ्रष्टाचार देखा। हमने भ्रष्टाचार देखा आपके PSC के परीक्षा में। ये सब विषय बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय है और खासकर भिलाई के बारे में कहूँ तो भिलाई में भी महादेव सट्टा ऐप ये सब युवाओं को जो है बिगाड़ रही है और युवा विषय है। इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्थानीय विधायक के कार्यालय को घेराव का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिलाध्यक्ष के द्वारा आरोप पत्र सौंपने के बाद प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। उसके बाद भी उनकी बातों की अवहेलना करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुनः विधायक निवास में घुसने का प्रयास करने लगे और पुलिस प्रशासन के साथ घमासान होने लगा। वहीं दूसरी ओर विधायक समर्थक कांग्रेसियों ने पूरे सम्मान के साथ भाजपा के प्रदर्शनकारियों की सेवा के लिए मोहब्बत की दुकान लगा रखी थी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।